दिन से क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ बयान नहीं करना चाहता हूं। मैं आवाम को और हमारे पुलिस अफसरदार जो हैं सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप सब यहां पर अमन बनाए रखे हैं और हम पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिए हैं वो समझ गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आने वाले दिनों में है या जो भी ये वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है और अमन ने इसका थोड़ा ख़राब होने का काम चल रहा है, तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों को कॉशन करना चाह रहा हूं, इंतबाह दे रहा हूं कि आप ऐसे काम मत कीजिए। हम सभी को जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उन पर हम केसेस रजिस्टर करेंगे ज़रूर। और ये जो हमारी तहजीब है हैदराबाद, अमन है, जो शांति यहाँ पर रहती है और जो हमारा इतिहास जो है, जो तारीखी शहर जो हैदराबाद है, उसको कोई ख़राब ना करे, ये अपने जहन में लगा ले और अपने आप इसको ऐसे वीडियोस और ऑडियोस बनाकर सोशल मीडिया में ना पोस्ट करें। ये मेरी गुजारिश है आवाम से और जो भी हमारे साथ हैं उनको सबको मैं भरोसा दिलाता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस का जो काम कार्रवाई है आप देखें हैं और भरोसा रखिए, जो भी कुछ है हमको बताइए, इत्तला कीजिए, हम ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। और मैं सबको अपने जो ताउन हमको दिया है सबके लिए हम बहुत ही खुश नसीब हैं और शुक्रगुजार हैं। आप सबको मेरे तरफ से और सिटी पुलिस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। सर, ये शामिल जो दुकान खोलने का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग जो है 7 बजे के बाद बंद रहेगा क्या, वो लेगा? हाँ, हम आज हम देखेंगे क्योंकि आज ये जुम्मे की नमाज़ जो है उस मौके पर काफ़ी अमन के साथ सब कुछ सुकून फैला हुआ है, तो हम ज़रूर उस पर सोचेंगे, अब बात करेंगे। ये ऑफिसर सब यहीं पर है, हम डिस्कस करके आज शाम में कैसे इसको रिलैक्स किया जाए, कैसे यहाँ पर कुछ ऑफिशियल कुछ नहीं है। हम सबको गुजारिश किए थे कि आप अपने दुकान जल्दी बंद कर लें, पेट्रोल भी बंद कर लें क्योंकि उसकी वजह से लोग मूवमेंट कम होगा, तो आज से हम ज़रा नॉर्मल सी लाने की कोशिश जारी रखें। शुक्रिया। श्योरली वी आर नाउ टुडे आफ्टर फ्राइडे टुडे वी आर नाउ इन अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट आर द सेंटीमेंट्स एंड व्हाट आर द फीलिंग्स। As per that, by perhaps by from today evening onwards, a lot of normalcy will be coming back to these efforts. On this side, for me, chatta prakaram evaithe actions mem teesukovalo mem teesukunnamu, dani valla prashantata anedi nelapindi, andaru kuda artham chesukuntaru, Hyderabad pattanamlo, Telangana rashtramlo, andariki telusu ఈ గొడవల వల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటో, ఎవరు ఏం చేయదలుచుకున్నారో వాళ్ళకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. సో అందుకని ఎక్కువ ఈ 4-5 రోజుల్లో కూడా మేము మా ఆఫీస్ ఇందోర్ ఆయన హైదరాబాద్ यहाँ के हालात वगैरह सब सही अच्छे हैं, बालिका करण है, जो भी सज़ा उनको देना थी राम सिंह को उसने उनकी सज़ा दे चुके हैं और उसके बाद में सामान चेंज सब कम्प्लीट साइन अच्छा है। मैं हाजी मोहम्मद शफी खत्री इंदौर से। अल्हम्दुलिल्लाह आज मक्का मस्जिद में पूरे देश के लिए अमन और ईमान और शांति के लिए दुआएँ मांगी गईं और जनाब राजा सिंह जो यहाँ के विधायक रहे हैं उन्होंने जो भी बयान दिए देश के हालात के विपरीत बयान दिए थे और इनके बयानों की सज़ा इनको मिल गई है और आज भी हैदराबाद में पूरी तरीके से अमन और ईमान कायम है
और मैं पूरे देश के लिए दुआएं करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे देश में इसी तरह से अमन और ईमान कायम रखे और जिनको सज़ा मिलना थी उनको मिल गई। और इसके लिए अब मैं चाहता हूं कि अब आगे भी कोई भी मुस्लिम किसी भी देश या किसी भी शहर में किसी भी तरीके का एहतजाज ना करें। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है।